इंडिया स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इंडिया के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा घूम रहे हैं, उनके पास सिराज है, हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, हमारे पास बाबर आजम है, रिजवान है, बस उनके अलावा कोई टीम में परफॉर्म ही नहीं करता, ठीक है, हमारी पास है, ठीक है, ठीक है, हमारे मेन जो बैट्समैन है ना वो 7 ओवर खेलने तो स्कोर क्या है जी, थक जाते, स्कोर क्या है जी, 16 स्कोर हुआ। देखा कि पाकिस्तान टीम है और इंडिया की टीम है, इस वक्त जमीन आसमान का फर्क है। ओके, आपकी इंडिया से जो इंडियन टीम है ना वो बेस्ट है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है, क्योंकि वाहिद वो ऐसी टीम है जो बांग्लादेश आके घर में आके वाइट वॉश करके चलेगी, ठीक है, लो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इंडिया की आप परफॉर्मेंस देखने वो टोटली एक भी सीरीज नहीं आ रही, 17 सीरीज टोटल जीत चुके हैं, ठीक है, स्ट्रीक फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंडिया की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जमीन आसमान का, इवन की अगर आपकी इंडिया की फर्स्ट क्लास टीम से मैच होगा ना आप उनसे भी हार जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपका ही हाल है, ठीक है, वो भी इंडिया से सीखे, इंडिया से सीखे हमारी टीम को, वो सीखे, उनसे कोचिंग लें ताकि उनसी तरह बेहतर करें और उसी तरह। दिस इज योर होस्ट अमन अली, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड एक अगेन इंटरेस्टिंग रिएक्शन के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप क्रिकेट के फैन हैं, दिस इज वेरी अनफेयर, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड ऑल्सो अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग रिएक्शन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें आगाह किया करें। टॉपिक की तरफ आते हैं तो टॉपिक होगा आज कम्प्लीटली हम इंडियन क्रिकेट टीम वर्सेज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में रिएक्शन करेंगे कि आखिर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम में जो है वो इस वक्त मौजूद है जो पाकिस्तानी टीम को अडॉप्ट करनी चाहिए और पाकिस्तानी टीम को जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ आना चाहिए। बहुत सारी बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग से रिएक्शन होंगे, हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अरबाज। और आपका? आगा अली। आगा एंड अब्बास, आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करें और दो हमारी फेवरेट टीम्स इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, इंडियन क्रिकेट टीम वर्सेस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, किसको कितना बेहतर समझते हैं आप, किसके लिए कितना ज्यादा प्यार है और क्या लगता है ऑन पेपर कौन ज्यादा स्ट्रांग टीम। सबसे पहले तो इंडिया स्ट्रांग है क्योंकि इंडिया के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा घूम रहे हैं, उनके पास सिराज है, हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, हमारे पास बाबर आजम है, रिजवान है, बस उनके अलावा कोई टीम में परफॉर्म ही नहीं करता, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, हमारे बांग्लादेश आके घर में आके वाइट वॉश करके चलेगी, ठीक है, लो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इंडिया की आप परफॉर्मेंस देखने वो टोटली एक भी सीरीज नहीं आ रही, 17 सीरीज टोटल जीत चुके हैं, ठीक है, स्ट्रीक लगा दी उन्होंने 17, ठीक है, ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान को भी देनी चाहिए, इंडिया से कुछ सीखे पाकिस्तान, फिर ही पाकिस्तान कुछ आगे तरक्की कर सकता है, ठीक है, ठीक है, हमें हमारे कैप्टन, हमारे आए दिन कैप्टन चेंज कर देते हैं, कल शान मसूद, आज बाबर आजम है, कल रिजवान होगा, परसों शेन अफरीदी होगा, ठीक है, यहाँ पे जब तक एक मैनेजमेंट साथ चल के काम नहीं ना करेगी तब तक पाकिस्तान टीम का कुछ भी नहीं बन सकता, ठीक है, दूसरी टीम को भी देखे ना कि हमारे आए दिन कैप्टन चेंज होते रहते हैं तो दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर ही नहीं पड़ता, ठीक है, हमारा सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, एक प्रॉपर कैप्टन बना रहे, ठीक है, टीम चलती रहे, जाहिर सी बात है ये गेम है, हार जीत साथ साथ ही है, लेकिन ये है कि इनको चाहिए कि अपनी कारदगी जो है ना बिल्कुल फाइनल किस्म की करें। देखिए अब इंडिया है, ठीक है, इंडिया का आप देख लें बॉलर भी जो है ना वो भी हिट अच्छी लगा देता है, ठीक है, ठीक है, हमारे मेन जो बैट्समैन है ना वो 7 ओवर खेलने तो स्कोर क्या है जी, थक जाते, स्कोर क्या है जी, 16 स्कोर हुआ। बात तो सही है। अच्छा आपकी आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग इंडियन बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं और साथ ही साथ फील्डिंग की भी बात करते हैं, ओवरऑल एक टीम कंपैरिजन देखते हैं, एक टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो देखते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डिफरेंसेस क्या है, क्या चीज ऐसी है इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान में नहीं है? हमारे प्लेयर्स हैं सिफारशी प्लेयर, ठीक है, साइमी उप को आप देख ले, नो लुक शॉट मारता है, ठीक है, वहाँ पे जाकर उसका कैच हो जाता है, हमारे प्लेयर हैं एक वो पीएसएल में पूरे सीजन में एक शॉट मारता है, पूरी चर्चा हो जाती है जी, पाकिस्तान वाले उनको उठा लेते हैं जी, टैलेंट वो मिल गया, टैलेंट मिल गया, नया बाबर आजम मिल गया, सईद अनवर मिल गया, ठीक है, इंडिया में आप देखें शुभमन गिल देखें, यशवी जायसवाल देखें, इनके नए नए सूर्या कुमार यादव को देख लें, वो परफॉर्म करके दिखाते हैं पूरा पूरा साल, वो परफॉर्म करके दिखाते हैं, हमारा प्लेयर आता है ये एक सीजन में एक शॉट लगाई, अगले दो सीजन बह के मैच देखा, ठीक है, ऐ काम है साढ़े प्लेयर का, हमारा हमारे प्लेयरों को चाहिए इंडिया से कुछ सीखे, जैसे वो परफॉर्म करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कुछ सीखे, इंग्लैंड से सीखे, ठीक है, बेन स्टोक से सीखे, इंडिया इंडिया बेस्ट और मजबूत टीम है, ठीक है, जितने भी आप देख लें कहीं भी क्रिकेट हुई है इंडिया की आप परफॉर्मेंस देख लें कहीं भी बैटिंग, ठीक है, क्या है ऐसा इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान में नहीं है? इंडिया के अंदर जो खिलाड़ियों के अंदर जज्बा है ना वो हमारे खिलाड़ियों में नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, ठीक है, हमारे खिलाड़ी वो क्या कहते हैं कि दो मैच में चले हैं, वो भी दुआएं कर करके घर वालों ने पीछे
पता नहीं केड़िया मनता मनता मनिया ने ठीक है कोई 1.5 लाख रुपए की तनखा 1 लाख रुपए दी मनते चढ़ा दी ने दो मैच जाके चले आओ ठीक है। अब इंडिया देखे, इंडिया तो हर मैच में आपको पता है कि गुड परफॉर्मेंस मैं तो हम है पाकिस्तानी ठीक है लेकिन इंडिया इज बेस्ट टीम। आपको भी यही लगता है? क्योंकि इंडिया के पास बैट्समैन है, पावर हिटर है, उनके पास तो बेन स्टोक जैसे ऑलराउंडर है, उनके पास रविंद्र जडेजा है, उनके पास स्पिनर में कुलदीप यादव है, उनके पास बुमराह, उनके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा उनके पास है, शुभमन गिल उनके पास है, हमारे पास ये कोई एक बंदा भी इनमें से कोई भी नहीं है ठीक है। हमारी टीम में सिर्फ बाबर आजम परफॉर्म कर जाता है, उसके अलावा वो आउट होता है, पीछे पूरी की पूरी लाइन लग जाती है। शुरू से शुरू लास्ट से ही हमारा ये कौमी ये समझ लें कि हमें ना विरासत में मिला है कि एक आउट होगा तो हमने इंशाल्लाह ताला सबने आउट हो गया ना, हमने उसे झूठा नहीं होने देना, हमने उसकी उसका मान रखना है। मुझे एक बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या हम इस पोजीशन पे आ गए कि भाई इंडिया से सीखना पड़ेगा, हमें क्रिकेट इंडिया सिखाएगा जैसे उन्होंने अफगानिस्तान को सिखा दिया? ये देखें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो बॉलिंग कोच था वो हमारा पाकिस्तानी ठीक है ठीक है। इधर वो इनको मसलन के वो देते नहीं है इतनी एफर्ट ठीक है। अब इधर दें पाकिस्तान में एफर्ट दें उसको बंदे को जिसने इंडिया में जाके बॉलिंग अच्छी करवाई है ठीक है। इंडिया में देखें हम टॉप 10 में जो इस टाइम टॉप 1 पे जा रही है बॉलिंग उनकी ठीक है। तभी होता था ऑस्ट्रेलिया ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया को भी काट गया है ठीक है। तो हमें चाहिए ना इतने बड़े पेसर्स हैं भाई, अभी भी ये कहीं भी किसी भी मैच में 4 पेसर्स हमारा अटैक कर देना किसी भी टीम को तबाह कर सकता है ठीक है। लेकिन ये मैंने क्यों नहीं कर रही है, बल्ला को पता हो ये इतने इतने अच्छे बॉलर है हमारे पास। 138-139 की पेस वाला जो बंदा है शाहीन शाफरीदी आजकल उसकी 125 के ऊपर जा ही नहीं रही है भाई। यही है ना, जब उसने शादी कर लेनी तो फिर उसका यही हाल होगा ठीक है। बाबर आजम अभी ना करे शादी, हम उसको यही मशवरा देंगे, वो अभी तक अच्छा खेल रहा है। आप नसीम शाह को देख लें, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लीग हो रही है, चैंपियन कप हो रहा है हमारा लीग, उसमें भी उसने कल 3 विकेट लिए हैं मैंने ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये जब टीम में आते हैं वापस फिर वैसे ही हाल हो जाते हैं। इनको चाहिए कि रोहित शर्मा हमारा कोच बने पाकिस्तान टीम का, उससे कुछ चीजें हमारे से सीखे ठीक है। बिल्कुल ऐसे इंडियन क्रिकेट टीम वर्सेज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का क्या लगता है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन बेहतर है और किसको किससे सीखना चाहिए? मेरे हिसाब से जो इंडियन टीम है ना वो बेस्ट है, वो बहुत स्ट्रांग टीम है ठीक है। क्योंकि वाहिद वो ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप के जो मैच टूर्नामेंट बड़े बड़े होते हैं ना वो मैच भी नहीं आती ठीक है। वो ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे हमारी जंग हो रही है बिल्कुल। और रहा बात सीखने की वो हमारी टीम को सीखना चाहिए ओके ठीक है, वो भी इंडिया से सीखे हमारी टीम को वो सीखे, उनसे कोचिंग लें ताकि उनसी तरह बेहतर करे और उसी तरह परफॉर्म करे जिस तरह इंडिया करता है, इसी तरह पाकिस्तान को चाहिए इंडिया से कोचिंग लें और कोचिंग लेके वो बेहतर करे इंडिया तरह। अच्छा आपकी बात मैं समझ रही हूँ, मुझे ये बताइएगा कि क्या है ऐसा इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जिसमें वो एशिया कप के चैंपियन बन गए, ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल तक खेल के आए और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए, चैंपियन टीम है ये। अगर पिछली 17 जो सीरीज है ये लोग नहीं हारे हैं, एक स्ट्रीक चल रही है, आपको क्या लगता है ये जो सारी चीजें इंडिया कर रहा है ऐसी क्या चीजें हैं इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान में नहीं और पाकिस्तान को इंडिया से सीखनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए? पहली बात तो ये है, मैं ये कहूंगा वो ऐसी वाइज टीम है, बहुत अच्छी टीम है और स्ट्रॉन्ग टीम है, वो मेहनत बहुत करते हैं ठीक है। आपने देखा होगा उनके जो कोचेज हैं बाहर का कोई कोच भी नहीं है ठीक है, उनके अपने कोच हैं बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये वो बहुत हैवी टीम है, वो इधर उधर पढ़ते नहीं है, वो अपने गेम पे फोकस करते हैं, इधर उधर कहीं भी नहीं जाते ठीक है। ठीक हो गया, आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया पाकिस्तान अगर आती है तो क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इतनी तैयारी में है, इतनी मोमेंटम के अंदर है कि वो इंडिया का उसी तरह से मुकाबला करे जैसा हमारा 10 साल पहले होता? ये इंडिया तो है नहीं, इंडिया तो है नहीं जो अपने घर बुला के और इनको हराए, अगर हम अपने घर भी बुलवा लें तो हम भी फिर भी हार जाएंगे ठीक है। उसके बाद इंडिया ऐसी टीम है वो जीतेगी, मुझे पता है इन्होंने हार जाना, सारे मुल्क से जीत जाएंगे, इंडिया से इन्होंने हार जाना ठीक है, मैं ये बताऊंगा। अच्छा ये ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि इंडिया इस वक्त एक ऐसी टीम बन चुकी है जो दुनिया में सबसे फेमस है? आपको नजर नहीं आ रही, आप मैच देखती हैं, आपको नजर भी आ रहा है बिल्कुल, और वो ऐसे हो सकता है अभी वो पाकिस्तान से जीते और हारे, सॉरी ठीक है नहीं हार सकते हो कभी भी नहीं, वाइज टीम है जो एक दफा वो क्या ठीक है। आपकी बात मैं समझ गई, एज अ टीम वो लोग स्ट्रांग हो गए तो बैटिंग में हम स्ट्रांग हो, कोई बॉलिंग में हम स्ट्रांग हो, कोई फील्डिंग में हम स्ट्रांग हो, हम किसी चीज में तो इंडिया से स्ट्रांग होंगे ना, कोई कैच छोड़ रहा है, कोई
फील्ड मिस कर रहा है, हमारी टीम में ये खाबियां हैं, जिनको खेलना चाहिए वो खेलते नहीं है, ठीक है, और जिनको नहीं खेलना चाहता वो रेगुलर खेल रहे हैं मैच वगैरह, ठीक है, शॉपर की तरह। हाँ जारी सी बात है, मैं सामने कहूंगा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूं भाई, आपको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या। आप कहते हैं यार ये प्लेयर खेले वो प्लेयर खेले, बस सिफारिशें चल रही है और प्लेयर खेले जा रहे हैं बस, ठीक है बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। देखें ये सवाल आप अगर किसी दूसरे छोटे से बच्चे से पूछेंगे वो भी ये बता देगा कि पाकिस्तान टीम और इंडिया की टीम इस वक्त जमीन आसमान का फर्क है। ओके आपकी इंडियन टीम जो है आपका ये हाल है कि आप इंडिया से जीता हुआ मैच आपसे नहीं जीता जाता, 120 पे 120 नहीं बनता, ठीक है, तो आप तो किसी खाते में ही नहीं आते, आप अपने आप को क्रिकेट टीम कहते ही क्यों हो आप, तो बस जो है यहाँ से उधर उधर से उठा के आप प्लेयर टीम में डाल देते हैं, ठीक है, पता नहीं अगर आपसे 120 बॉलों पर 120 नहीं बनता तो फिर आपका तो बनता ही नहीं है इनके साथ आपका मैच, इंडिया के कंपैरिजन तो बनता ही नहीं आपका है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या लगता है कि देखिए जिस तरह से हम लोगों ने परफॉर्मेंसेस देखी हुई है पाकिस्तान की पिछले दो सालों में, हम परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं और उन्हीं दो सालों के अंदर इंडिया की भी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। लेट्स से एशिया कप इंडिया ने विन किया, हम लोग जो है वो सेमीफाइनल से ही वापस आ गए, दूसरी दफा हम लोगों ने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर हम सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए और इंडिया जो है वो फाइनल खेल के आई, और अगर हम लोग टी20 वर्ल्ड कप की बात करें अनबीटन बगैर कोई मैच हारे इंडिया ने कप उठाया और पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं गया। इन सब सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान को इस वक्त इंतहाई इंप्रूवमेंट की जरूरत है और हमें इंडिया से सीखना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आप, मैं तो कहता हूँ आपको बांग्लादेश से सीखना चाहिए, क्योंकि देखें आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंडिया की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जमीन आसमान का, इवन की अगर आपकी इंडिया की फर्स्ट क्लास टीम से मैच होगा ना आप उनसे भी हार जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपका ये हाल है। आप मुझे बताएं आपके क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको मैं गारंटी से बताता हूँ एक बंदा नहीं होगा जिसको क्रिकेट की अलिफ बे का भी पता होगा, सारा पर्ची डंडा सिस्टम अंदर चल रहा है, क्रिकेट का किसी को नहीं पता। आपकी इंडिया की फर्स्ट क्लास देखें 80 साल से रणजी का पैटर्न चल रहा है, उसी पे चल रहा है, हमारा हर साल एक नया सिस्टम आता है, एक नया सिस्टम आता है, स्टेबिलिटी हम आने नहीं देते, जब वो सिस्टम डिलीवर करने का टाइम आता है हमने। अब ये जो रिसेंटली फैसलाबाद में पाकिस्तान धोखा कप हो रहा है जिसको पाकिस्तान चैंपियंस कप कहते हैं, वो क्या है? वो सिर्फ वो पहले जब पेंटेंगुलर कप था कभी पाकिस्तान कप था उसका आपने नाम चेंज करके, अभी आपकी रिसेंट अभी आपकी इंग्लैंड टीम आ रही है अगले महीने आपको हराने आ रही है, खेलने नहीं आ रही, आपको ठोकने आ रही है, पिछली बार भी आपको व्हाइट वॉश करके गई आपका ये हाल है कि आप दो पिछले 3 साल से आप होम ग्राउंड में एक टेस्ट मैच नहीं जीत सके, ठीक है, उसकी वजह यही है कि जब आप पीएसएल की परफॉर्मेंस पर आप प्लेयरों को टीम में डालेंगे एक परफॉर्मेंस की बेस पर, अभी कल अब्दुल समद लड़का खेला, ठीक है, अब उसकी बातें होने लगी है कि इसको टीम में डालो, चाचे की रिप्लेसमेंट मिल गई, ठीक है, अभी इसी तरह खुशदिल शाह आपको मिला था उसको आपने एक आधे मैच की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम में डाली, उसने क्या उखाड़ लिया? आप प्लेयर को टीम में आप मैच्योर होने ही नहीं देते, जो मैच्योर होता है कामरान गुलाम आप उसको क्यों नहीं टीम में डालते, ठीक है, और बड़ी बार आप उसको स्क्वाड में डालते हैं लेकिन आप उसको खिलाते क्यों नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे कोई पीछे सिफारिश है ही नहीं उसके पास, ठीक है, आप वही लड़के बार बार खिला, अब बाबर की क्या परफॉर्मेंस है, बिल्कुल, आप उसको क्या घंटे के किंग को आपने सर पे उठाया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, देखिए ठीक है आपकी सारी बातें बिल्कुल बजा है, मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि आपको क्या लगता है कि आपने कहा पीएसएल से हम जो टैलेंट उठाते हैं उस पर हम लोग टीम बना लेते हैं, इंडिया भी तो आईपीएल से टैलेंट उठाता है, आईपीएल का टैलेंट जो है वो टीम में लेके आता है जिसमें शुभमन गिल आ गए, यशस्वी जायसवाल आ गए, गायकवाड़ आ गए, कितने सारे प्लेयर्स हैं जो इंडिया ने आईपीएल से उठाए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ठीक है पीएसएल भी हमने इसीलिए रखा था कि हम लोग टीम को स्ट्रांग कर सके? जी बात आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन उसका मैं आपको बता दूं उन्होंने पूरा क्राइटेरिया सेट किया है, रणजी ट्रॉफी जो खेलेगा उसी उसका उन्होंने पैटर्न सेट किया, इतनी सेंचुरीज होनी चाहिए, इतनी विकेट्स होंगी, फिर उसको आईपीएल में उसका वो नाम जाता है, ठीक है, तो वो पहले अभी आप रिसेंटली मिसाल देख लें इनका जो एक ओपन आया था लेफ्ट हैंड बैट्समैन है उसका नाम है ईशान किशन, ठीक है बिल्कुल, वो देखे कितना उसने 200 मारा था, लेकिन उसने पिछले साल उसने नहीं खेली थी रणजी ट्रॉफी, वो मुंबई इंडियंस के जो रणजी हार्दिक पांड्या के साथ कैंप कर रहा था, उन्होंने उसको टीम से भी निकाला, उनका तुम पहले रणजी खेल के, हालांकि वो एक बहुत बड़ा नाम उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने पैटर्न सेट किया, क्राइटेरिया सेट किया कि भाई पहले फर्स्ट क्लास खेल के आओ, फिर और हम यहाँ माशाल्लाह जिसका कोई यहाँ नाम डल जाए तो उसको यहाँ पीएसएल में भेज देते हैं। एक शॉट पे सर, एक शॉट पे हम बंदे को डायरेक्ट अपनी इंटरनेशनल टीम के अंदर जगह दे देते हैं। आपको नहीं लगता कि हम लोग जो है वो अपनी ही क्रिकेट को अपने हाथों से जो है हम उनका गला दबा रहे हैं? जी देखे ना एक नो लुक शॉट आपने उसको सर पे उठाया,
टीम में आकर उसने उखाड़ लिया, 150 नहीं कर सका अभी तक, अभी तक नहीं हुई। एक कवर ड्राइव हमें लेके बैठे हुए, कवर ड्राइव और भाई कवर ड्राइव नहीं, मॉडर्न क्रिकेट में आपको सर्वाइव करने के लिए आपको शॉर्ट्स पर काम करना पड़ता है भाई। कवर ड्राइव पर 4-5 साल तो आपने क्रिकेट खेल ली, ठीक है। अब आजकल आपसे बांग्लादेश से रन नहीं हो रहे आपके खिलाफ, आप यूएसए से आपके खिलाफ आपसे रन नहीं हो रहे, तो आप किस तरह अपने आपको किंग कहते हैं? आपसे आप यूएसए के खिलाफ नहीं, अब आपसे चला जा रहा है इंडिया के खिलाफ, आप जीता हुआ रन बॉल खेलना आपकी गेम है, रन बॉल आपसे रन बॉल नहीं खेला गया। बांग्लादेश आपको मुशफिकुर रहीम इसी पिच पे दो आपको सेंचुरी मार रहा है, ठीक है, बाकी प्लेयर्स भी इनके मार रहे हैं और हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह देखें किसी का एज हो रहा है कोई, जनाब हमारे बॉलर्स का हाल देख लें कि शहीन जो 150 पे बॉल करता था 130 उसकी पेस रह गई है, और वो भी देख लें कोई टांग पे जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर। आप मुझे एक बॉलर बता दें इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ क्या थी? कभी हमारी स्ट्रेंथ यूएई में हम खेलते थे, हम स्पिन पिचेस हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारे पास स्पिनर थे, सईद अजमल था हमारे पास, यासिर शाह था हमारे पास, जुल्फकार बाबर था, हमने 2 दफा ऑस्ट्रेलिया को हराया, हमने इंग्लैंड को व्हाइट वॉश किया। अब ये हाल है कि अगली बार टीम है आपके होम ग्राउंड में ही आपसे नहीं खेला गया, क्योंकि हमारे में अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता। अगर हम फास्ट पिचेस बनाएंगे हमें डर है कि जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हमें कच्चा चबा जाएंगी, हम स्पिन बनाएंगे तो हमारे पास स्पिनर है ही नहीं, किसको हम लेके आए? हम फ्लैट पिच बनाएंगे तो वो हमें एक दिन में 500 मार देंगे, हमें अपनी स्ट्रेंथ का ही नहीं पता। इंडिया अपनी होम ग्राउंड में स्ट्रेंथ उनकी स्पिन पिचेस, उनके पास स्पिनर देखा इतने जबरदस्त है, ऑस्ट्रेलिया को पता है हमने बाउंसर पिचेस बनानी है वो आपको बाउंसर मिलेंगे, इंग्लैंड की स्ट्रेंथ है उन्होंने स्विंग कंडीशन बनानी है उन्होंने आपको स्विंग कंडीशन मिलेगी, ठीक है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ का ही नहीं पता तो हमने किसी को क्या हराना। अच्छा आखिरी सवाल करूंगी बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के अंदर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश पाकिस्तान के घर में कर गया, अब यही बांग्लादेश जो है वो मद्दे मुकाबला आने वाला है इंडिया के, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश इसी पेस के साथ इसी मोमेंटम के साथ इंडिया को भी व्हाइट वॉश कर सकेगा? जी अभी आपने कल लिटन दास का बयान सुना कि ठीक है भूल जाओ पाकिस्तान को, ठीक है जो हो गया अब इंडिया पे फोकस करो, आप यहाँ से उनकी इंटेंशन देखें कि उस वक्त पूरे माइंड सेट के साथ है कि हमने जीतना है, उनका माइंड सेट क्लियर है कि हमने जीतना है, ठीक है। खेल रिजल्ट तो बाद की बात है, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन उस वक्त उनको अपनी इंटेंशन का पता कि हमने किस तरह खेलना, वो इसी मोमेंटम के साथ जाएंगे, वो बाकी जो होगा वो बाद की बात है, लेकिन वो अपने पॉजिटिव क्रिकेट जिस तरह वो इधर खेल के गए हैं उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि वो आज तक पाकिस्तान से एक टेस्ट मैच जीते थे और वो हमें व्हाइट वॉश हमें करके गए हैं, तो ये इसी मोमेंटम कॉन्फिडेंस उनमें आया है, ये कॉन्फिडेंस उनमें आपने पैदा किया है, ठीक है। तो ये इंडिया को इंडिया में हराने की सलाहियत रखते हैं, मुझे लगता है एक आधे टेस्ट जरूर जीतेंगे वो, बिल्कुल ठीक है जी।